चित्तौड़गढ़ में विगत कई दिनों से जारी मानसून के चलते पूरे जिले में जगह जगह पानी का भराव होता जा रहा है और प्रशासन का इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं रहा, जिसके चलते विभिन्न प्रकार के बीमारियों का ग्राफ होता जा रहा है और दिनों दिन राजकीय चिकित्सालय मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। चिकित्सालय प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकीय चिकित्सालय में प्रतिदिन 2000 से अधिक मरीज राजकीय चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार के बीमारियों के मरीज आ रहे हैं। अगर वार्डों की स्थिति की बात की जाए तो वार्डों में बेड की संख्या कम कर दी जा रही है और मरीजों को जमीन पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। वहीं चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी साथ देखी जा सकती है, जिसका खामियाजा यहाँ पर मरीजों को उठाना पड़ रहा है। ये बात सही है कि इस टाइम में जो रोगियों की संख्या बड़ी है, ओपीडी में रोगी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस टाइम जो बीमार आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर वायरल फीवर के, खांसी जुकाम के पेशेंट आ रहे हैं, उल्टी दस्त के भी पेशेंट थोड़े बहुत हैं, लेकिन इतने आ रहे हैं तो वायरल फीवर का ज़्यादा प्रकोप है। क्या प्रिकॉशन के लिए प्रिकॉशन ये है कि मैं बात तो पूरी साउंड स्लीप लें और फ्लूड फूड पिए और टाइम से दवाई लें और मौसम में बदलाव हुआ है, पानी का भी बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके कारण भी ज़्यादा हो रहा है, तो किस प्रकार की सतर्कता बरती जाए ताकि इसके कारण जो पानी का सेवन करते हैं वो साफ पानी पिए और दूषित भोजन वगैरह इसका उपयोग नहीं करें। और अभी कितना आउटडोर है लगभग देखा जाए तो मरीजों का भी? अभी आउटडोर है जो कम से कम 1000 पेशेंट के समथिंग तो पर डे है।